तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एनी नाम की लड़की को जो अपने घर से निकलती है और वो किसी चीज से डरी हुई लग रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसीलिए वो घर के अंदर बाहर भागती है। इसीलिए उसके फादर एनी से पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? पर एनी अपने फादर को कुछ नहीं बताती और कुछ देर बाद फिर से घर से बाहर आती है और कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि एनी कार लेकर बीच पर आती है और फोन पर अपने डैड से कहती है कि डैड मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बीच पर एनी की लाश पड़ी है और उसे शायद उसी चीज ने मार डाला था जिससे वो बचकर भाग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जय और केली को जो कि सिस्टर्स हैं। जय पूल में नहा रही थी और केली उससे उस नए लड़के के बारे में पूछती है जिसके साथ वो डेट कर रही थी और हमें ये भी पता चलता है कि आज रात वो उसके साथ मूवी देखने जा रही है। इसके बाद हम जय को उसके दो दोस्त पॉल और इयारा के पास देखते हैं जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसके बाद जय अपने डेट के लिए रेडी होती है और अपने नए बॉयफ्रेंड ह्यूक जिसके साथ वो डेट कर रही थी उसके साथ थिएटर में जाती है। अब यहाँ पर ह्यूक को एक लड़की नजर आती है और वो जय को इशारा करके बताता है कि क्या तुम्हें वो लड़की दिख रही है? जय कहती है नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद ह्यूक बहुत डर जाता है क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। इसीलिए ह्यूक जय को थिएटर से बाहर ले आता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तभी हम बाहर की तरफ किसी को देखते हैं जो ह्यूक की तरफ ही देख रहा था और उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अगले दिन जय की बहन केली पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही? इस पर वो बताती है कि डेट कुछ खास नहीं रही क्योंकि ह्यूक थोड़ा अजीब हरकतें कर रहा था। अब एक बार फिर से जय और ह्यूक मिलते हैं जहाँ पर ह्यूक जय को किस करता है, जिसके बाद ये दोनों कार में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इंटरकोर्स के बाद ह्यूक जय को बेहोश कर देता है। अब जब जय को होश आता है तो वो अपने आप को एक अबैंडन जगह पर पाती है। यहाँ ह्यूक अपना एक सीक्रेट रिवील करता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है और वो मुझे मारना चाहती है और ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैंने एक लड़की के साथ इंटरकोर्स किया। इसीलिए मैंने जिंदा बचने के लिए तुम्हारे साथ सेक्स किया जिससे अब वो एंटिटी तुम्हारे पीछे लगेगी। और ह्यूक ये भी बताता है कि अगर तुम्हें उस एंटिटी ने मार डाला तो वो फिर से मेरे पीछे लग जाएगी और अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें भी किसी के साथ सेक्स करना होगा। इसके बाद ह्यूक कहता है कि वो एंटिटी यहाँ पर आ गई है जो कि बिना कपड़ों की थी और अब जय भी उस एंटिटी को देख पा रही थी। इसका मतलब कि ह्यूक का गर्ल्स जय में ट्रांसफर हो चुका था। ह्यूक कहता है कि ये एंटिटी स्लो है लेकिन बेवकूफ नहीं, तो अपना ध्यान रखना। इसके बाद ह्यूक जय को अपनी कार में डालकर उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। अब उसके दोस्त और केली पुलिस को बुलाते हैं तो पता चलता है कि जय ने उसे डेट करने से पहले कहीं भी इस टाउन में नहीं देखा था जिससे पुलिस जय की कोई खास मदद नहीं कर पाती। इसके बाद से ही जय अब दुखी रहने लगी थी। जब एक दिन वो अपने वॉशरूम में होती है तो एक बॉल विंडो से टकराता है। वो बाहर देखती है पर बाहर उस बॉल के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन हम रेड ड्रेस में किसी को देखते हैं जो कि छत पर छुपकर जय को देख रहा था। अब कुछ दिनों बाद जय कॉलेज जाती है जहाँ उसे अजीब सी एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे ही देख रही थी और उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। जय को लगता है कि ह्यूक जिस एंटिटी की बात कर रहा था वो इस बूढ़ी औरत के रूप में उसकी तरफ आ रही है। इसके बाद जय अपनी क्लास छोड़कर अपने दोस्त पॉल और अपनी बहन केली के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसके पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है जो उसे मारना चाहती है और ये तब से हो रहा है जब से उसके और ह्यूक के बीच इंटरकोर्स हुआ था। अब इनमें से कोई भी जय का यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि जो भी उसने देखा है वो बस उसका वहम है। पर जय की तसल्ली के लिए पॉल जय से कहता है कि मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जय भी मान जाती है। रात को हम देखते हैं कि जय को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो नीचे आती है और देखती है कि पॉल टीवी देख रहा है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और जय की फर्स्ट किस भी पॉल के साथ हुई थी। तभी जय को एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है। पॉल देखने जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। पॉल कहता है कि शायद किसी ने विंडो का कांच तोड़ दिया है। अब जब जय किचन में जाती है तो वहाँ उसे वही एंटिटी मिलती है जो बहुत घिनौनी लग रही थी। वो उसे मारने के लिए उसके तरफ बढ़ रही थी और जय उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी जय की चीखने की आवाज सुनकर पॉल और इयारा भी यहाँ पर आते हैं। जय उनसे कहती है कि घर में कोई है जो मुझे मारना चाहता है, मैंने उसे अपनी
आंखों से देखा है, लेकिन पोल और यारा कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जय को एक लंबा सा डरावना आदमी दिखता है जो कि वही एंटिटी थी जो कि नए नए रूप में उसे मारने के लिए आ रही थी। वो जय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही जय यहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में आ जाती है। अब जय पूरी तरह समझ जाती है कि ह्यू जो भी कह रहा था वो सच था, कि वो एंटिटी अब उसके पीछे पड़ चुकी है और अगर उसे उससे बचना है तो उसे एंटिटी से भागते रहना होगा। अब कुछ देर बाद यहाँ पर जय के दोस्त आ जाते हैं। तभी जय का एक पड़ोसी ग्रैग आता है और उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछता है। इसके बाद जय सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या और क्यों हो रहा है। फिर जय कहती है कि मुझे उस लड़के को ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद ये सभी ग्रैग की कार में बैठकर ह्यूक को ढूंढने निकल जाते हैं। ये ह्यूक के एड्रेस पर जाते हैं मगर ये घर खाली था क्योंकि उसने जय को जितना कुछ भी बताया था, उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस सब कुछ फेक था। वो बस अपना कर्ज किसी को ट्रांसफर करना चाहता था जो कि उसने जय को कर दिया था, बस यही उसका मकसद था। लेकिन फिर भी ये सब मिलकर घर में छानबीन करते हैं और इन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें इन्हें पता चलता है ह्यूक के स्कूल के बारे में और ये सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी सारी जानकारी निकलवाते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ह्यूक का असली नाम जेफ है। इसके बाद ये जेफ के घर जाते हैं और जय उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। इसके बाद वो ये बताता है कि वो एंटिटी तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो आदमी किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता, इसीलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और तुम्हारे साथ सेक्स किया ताकि मेरे ऊपर जो कर्ज है वो तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाए। अब उस एंटिटी की खास बात ये थी कि वो किसी का भी रूप ले सकती थी। जेफ ये भी बताता है कि अगर तुम मर गई तो वो एंटिटी फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब ये सभी जय को उस एंटिटी से बचाने के लिए एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रैग जय को शूटिंग करना भी सिखाता है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर वही एंटिटी आ जाती है और क्योंकि इस एंटिटी को सिर्फ जय ही देख सकती थी इसीलिए वो किसी को भी नजर नहीं आती। अब ये एंटिटी जय के बालों को पकड़ लेती है। अब ये देखकर जय के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एंटिटी उन्हें भी चोट पहुंचाती है। इसके बाद ये किसी तरह बोट हाउस में आ जाते हैं और जय गन निकालकर उस एंटिटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी मरने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता था। इसीलिए जय डरकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा टूट जाता है और ग्रैग कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन ग्रैग के बाद एक भयानक एंटिटी जय को दिखाई देती है जिसके बाद जय यहाँ से डरकर भागने लगती है। इसके बाद वो ग्रैग की कार लेती है और अकेली ही यहाँ से जाने लगती है। जय के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो एंटिटी भी जय की तरफ आ रही थी, लेकिन इससे पहले ही जय यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त जय का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम जय को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर ग्रैग जय के साथ इंटरकोर्स करने की सोचता है क्योंकि वो जय की मदद करके उसके मन का वहम निकालना चाहता था कि कोई भी एंटिटी उसके पीछे नहीं पड़ी है। इसीलिए ग्रैग जय को समझाता है और इसके बाद ये दोनों सेक्स करते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद जय को कोई एंटिटी नजर नहीं आती, उसे लगता है कि उस एंटिटी ने उसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो हमेशा डरी रहती थी कि कहीं वो एंटिटी आ ना जाए और उसे मार दे। दूसरी तरफ जय के दोस्त ग्रैग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई एंटिटी दिखाई दी। इस पर ग्रैग कहता है मुझे कोई भी एंटिटी नजर नहीं आई। अब रात को जब जय अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे ग्रैग नजर आता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये ग्रैग नहीं बल्कि वही एंटिटी है जो ग्रैग को मारने के लिए उसके घर जा रही है। एंटिटी ग्रैग का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन ग्रैग दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो एंटिटी घर की खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। ये देखकर जय घबरा जाती है और तुरंत भागकर ग्रैग के घर जाती है। जय ग्रैग के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वो उसी टूटी हुई खिड़की से अंदर जाती है और देखती है कि उस एंटिटी ने ग्रैग की माँ का रूप ले लिया है और वो एंटिटी दरवाजे को खटखटा रही थी, लेकिन जय चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी ग्रैग दरवाजा मत खोलना वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन ग्रैग को कुछ समझ नहीं आता और वो दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद एंटिटी ग्रैग को मार डालती है और अब ये एंटिटी फिर से जय के पीछे ही पड़ गई थी। अगले दिन हम जय को बीच पर देखते हैं जो दूर बोट पर किसी को देख रही थी। शायद वो उसके साथ इंटरकोर्स करके अपने कर्ज को उसे ट्रांसफर करना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद हम फिर से जय को देखते हैं और यहाँ उसके साथ पोल भी था। अब क्योंकि पोल जय को पसंद करता था इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। वो कहता है हम उस एंटिटी को मार सकते हैं। अब ये सभी अपने स्कूल के पूल में जाते हैं जहाँ पर सभी मिलकर चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देते हैं ताकि जैसे ही वो एंटिटी जय के पीछे आए तो वो एंटिटी को करंट का शॉक देकर मार डाले। इसके बाद जय पानी में उतरती है और एंटिटी
एंटिटी का इंतजार करने लगती है। अब कुछ देर बाद वो एंटिटी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं आती और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को जैक के ऊपर फेंक कर मारने लगती है। इसीलिए जैक की मदद करने के लिए पोल और बाकी लोग जैक की बताई गई जगह पर एक कपड़ा फेंकते हैं, जिससे इन सभी को एंटिटी दिखने लगती है और पोल उस एंटिटी को शूट करके मार डालता है। इससे वो एंटिटी पानी में गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो एंटिटी जैक का पैर पकड़ लेती है। एक बार फिर पोल एंटिटी के सिर में गोली मारता है, जिससे वो एंटिटी जैक का पैर छोड़ देती है और ये जैक को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद जैक वापस पूल में देखती है तो वो एंटिटी वहाँ नहीं थी और पूल खून से भर गया था। अब क्योंकि इनका ये प्लान फेल हो गया था, इसीलिए पोल जैक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटर कोर्स करूंगा, इसके बाद वो एंटिटी मेरे पीछे आएगी। अब पोल ये सब इसीलिए करता है क्योंकि वो जैक से प्यार करता था, इसीलिए अब ये दोनों इंटर कोर्स करते हैं और अब ये कर्ज पोल के ऊपर आ गया था। अब इसके बाद पोल भी डरा रहने लगा था, पर उसे अभी तक वो एंटिटी नजर नहीं आई थी। यहाँ जय पोल से पूछती है कि क्या तुम्हें वो एंटिटी दिखाई दी। इस पर पोल कहता है नहीं, और तभी हम देखते हैं कि वो एंटिटी इन दोनों के पीछे ही आ रही है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव यू। बाय बाय।